वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फूड किचन में। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत इजी मेथड है बनाने का, आप ज़रूर बनाएं और डिशेज ट्राई करें। ये हमारी डिशेज अचार गोश्त, नेहारी या कढ़ाई गोश्त, ये हमारी रूटीन सिंपल डिशेज में नहीं आती है। कुछ स्पेशल हमारा बनाने का दिल होए, मटन अचार या चिकन का, तो हम इस तरह की डिशेज बनाते हैं। ये मसाला है जो मैं बताती हूँ आपको बनाना, ये हमारे इन्ग्रीडियंट्स है, ये देख लीजिए। ये हमारे पास सौंफ है, फेनुग सीड 2 टीस्पून, कोरिएंडर सीड्स हमारे पास, धनिया है साबित 2 टीस्पून, ये कुटी लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स, ये हमारे पास क्यूमन सीड्स है 1 टीस्पून, ज़ीरा, ये हमारे पास मस्टर्ड सीड 1/2 टीस्पून, राई, ये काला नमक, सफ़ेद नमक, वाइट सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट 1/1 टीस्पून, ये मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, ये हमारे पास 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, कलौंजी। अब मैं आपको इसका बनाने का मेथड बताती हूँ। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर लूँगी, मैं इसे खलल में दरदरा कूट लूँगी। मसालों का हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ओनली 1 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फाइन पाउडर बन जाएगा और अचार गोश्त का मसाला दरदरा ही होना चाहिए। कि मैंने क्यूमन सीड्स एंड फेनुग सीड एंड कोरिएंडर सीड्स में ऐड किए हैं, धनिया पाउडर, सौंफ एंड ज़ीरा, ये मसाले हैं जो हमें इसमें दरदरा करना है इस तरह से। मैं आपको बाकी मसाले भी मैंने ऐड नहीं किए, वो बताऊँगी कब ऐड करना है इस तरह से। ये मैंने राई कुछ ऐड की है इसमें 1/2 टीस्पून, इसमें से कुछ मैंने इसमें ऐड करी है और थोड़ी एक चुटकी बराबर छोड़ दी है, वो मैं साबित ही इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। बाकी मैं इसे कूट लूँ। ग्रीडियंट्स कार्ड है, देख लीजिए आप, नोट कर लिए इसको। ये हमारा मसाला कूट चुका है इस तरह, जिस तरह मुझे चाहिए दरदरा वैसे ही हो गया, इससे ज़्यादा इसे नहीं करना है। ये मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और जो बाकी के इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैं 1 by 1 ऐड करूंगी इसमें। ये हमारे पास चिली फ्लेक, कुटी लाल मिर्च है, मैंने ये ऐड की है 1 टीस्पून, ये हमारे पास एक चुटकी राई है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये मेथी दाना है, मेथी दाना भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मेथी दाना मैंने इसमें नहीं पीसा था क्योंकि ये कड़वा टेस्ट होता है, ये हमारी जो ग्रेवी है वो कड़वी हो जाती है, इसलिए इसे साबित ही ऐड करें इसमें। ये कलौंजी, इसको भी मैंने नहीं ग्राइंड किया था पीसा, क्योंकि इससे जो है ग्रेवी ब्लैक हो जाती है, काला बना जाता है मसाले में, इसलिए इसे भी हम साबित ही ऐड करेंगे इसमें। और अचार गोश्त का मसाला येलो होना चाहिए, ये मैंने टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है, हल्दी 1 टीस्पून, अब ये मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। अगर ये मैं नॉर्मल खट्टा बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप टॉटरी भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्ट है, काला नमक एंड सफ़ेद नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे एक आप एयर टाइट बॉक्स में करके अपने बाकी मसालों के साथ रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर मसाले हमारे पास मौजूद हैं तो हमारी जो कुकिंग है वो बहुत ही ईजी रहती है, वैसे होममेड मसाले ही बेस्ट रहते हैं, उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हमारा अचार गोश्त का मसाला रेडी हो चुका है। मटन अचार गोश्त की रेसिपी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है, आप वहाँ से मटन अचार गोश्त का बनाने का तरीका देख सकती हैं। ये रेडी हो चुका है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो, अल्लाह हाफिज़।